शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर का प्रसिद्ध पोदारेश्वर राम मंदिर में अयोध्या के भूमि पूजन उत्सव विशेष रूप से मनाया गया। सुबह से ही भजन कीर्तन कर श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही श्री राम भगवान के दर्शन किए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह को लेकर शहर में खास उत्सव देखने को मिला। इसी घड़ी में धार्मिक संस्थाओं ने भी विशेष जिम्मेदारी निभाई। शहर के प्रमुख बड़े मंदिरों के दरवाजे बंद रखे गए, लेकिन मंदिर परिसर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए पूजा कीर्तन किया गया। इस घड़ी में हमारे संवाददाता स्वप्निल बुंधाड़े ने राम भक्तों से की खास बातचीत। बाइट 121। पोदारेश्वर राम मंदिर में इस साल कोरोना की वजह से शोभा यात्रा का आयोजन नहीं किया गया था, जिसके चलते राम जन्मभूमि भूमि पूजन का उत्सव पोदारेश्वर राम मंदिर में मनाया गया। 500 साल बाद आज जो है रिजल्ट आया है, और रिजल्ट के बाद आज जो है भूमि पूजन हुआ है। इसके बारे में आज हमारे साथ में राम भक्त है नागपुर से, पोदारेश्वर राम मंदिर से। भैया आप ये बताइए कि कैसा माहौल लग रहा है 500 साल बाद जो है ये रिजल्ट आया और आज भूमि पूजन हो रहा है, कैसे लग रहा है आपको? देखिए, ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है, मेरे लिए नहीं समूचे हिंदुस्तान और समूचे विश्व के लिए। बहुत अच्छा ये निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, उनके फैसले का हम अभिनंदन करते हैं। साथ में माननीय मोदी जी को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। आज जो ये 500 साल यानी 5 शताब्दी हो चुकी है, उसके बाद में आज राम जी अपने निर्गम स्थान पर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में आज दिवाली जैसा जश्न होगा। साथ ही हमारा पोदारेश्वर राम मंदिर जो है, हम हर वर्ष, हमारा इतिहास रहा है पिछले 55 सालों में कि एक दिन के लिए हम पूरी नागपुर नगरी को अयोध्या कर देते हैं। जो रामनवमी का पर्व होता है, यहाँ पर पिछले 55 सालों से 8 दिन का ये पर्व होता है, जिसमें अनेक अनेक प्रोग्राम होते हैं। 8 दिन भजन कीर्तन होते हैं, 8 दिन तक के जगह जगह हरि कीर्तन के साथ बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे मंडल आते हैं। और सबसे खुशी का विषय तो ये है कि राम जी का आज नाम पूरे विश्व में लिया जा रहा है, क्योंकि राम नाम के स्मरण मात्र से ही आदमी संतुष्ट हो जाता है, उसके दुख तकलीफ दूर हो जाती है। मैं गाने के माध्यम से एक आप तक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी बगिया सी, अवध में राम आए हैं। धन्यवाद भैया। जिस तरह से आप देख रहे हो कि पोदारेश्वर राम मंदिर में जो है हर साल पिछले पचपन सालों से जो है सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकलती थी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी शोभा यात्रा करके मानी जाती थी, वो इस साल नहीं मनाई गई है। इसलिए हमारे साथ में युवा वर्ग है, आप क्या बताएंगे कि साल जी? निश्चित रूप से बहुत दुखदायी था ये हमारे लिए। पिछले 55 वर्षों से निरंतर श्री पोदारेश्वर राम मंदिर पूरे भारतवर्ष में एकमात्र नागपुर ऐसा शहर है जिसमें इतनी बड़ी, इतना धूमधाम से श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन कोविड-19 के वजह से 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, 25 तारीख से चैत्र की नवरात्रि थी, और हम सभी मंदिर समिति ने निर्णय लिया कि जान है तो जहान है। मोदी जी द्वारा और प्रशासन द्वारा जो भी हमें निर्देश मिले उसका हमने पालन किया, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 51 दिनों तक मंदिर ने जो भी शरणार्थी थे निःशुल्क उनको भोजन वितरण किया। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था थी, 5,000 लोगों को भोजन की व्यवस्था उनके निवास स्थान तक पहुंचाने का कार्य मंदिर के माध्यम से हुआ है, इसलिए मैं मंदिर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज का जो दिन है, एक जब शोभा यात्रा नहीं निकली तब मन में बहुत दुख था, लेकिन आज शिलान्यास है अयोध्या में, तो इसके वजह से जो वो दुख था वो उससे हम उबर चुके हैं। अब हम आगे की ओर देख रहे हैं और हमें बहुत खुशी है, मंदिर परिवार को बहुत खुशी है कि श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या मंदिर निर्माण हो रहा है, रामलला विराज रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस खुशी में हम शाम को 4 बजे से सुंदरकांड पाठ मंदिर के परिवार के सदस्य मंदिर में ठाकुर जी के सामने करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके।
उसके पश्चात हम 6:30 बजे 2100 दिए लगाने वाले हैं, और दिए इसलिए लगा रहे हैं ताकि अंधकार जो फैला हुआ है वो इस ज्योत के माध्यम से, प्रभु राम के कृपा से, समूचे विश्व में जो कोविड नाम का अंधकार है वो दूर हो। यही प्रभु के चरणों में विश्वास रखते हुए हम 2100 दिए जलाने जा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अयोध्या के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे आप जो जिस तरह से अयोध्या में आज उत्सव चल रहा है उस बारे में बताएं। बहुत ऐतिहासिक क्षण है, ऐसा ऐतिहासिक क्षण हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं, 500 वर्षों में कितनी पीढ़ी निकल गई, कितने लोग चले गए, किंतु प्रभु का ऐसा दर्शन नहीं कर पाया जो हम करेंगे। आज जब भव्य जब मंदिर बनेगा, जब राम लला वहाँ स्थापित हो जाएंगे, तो आप कल्पना कीजिए कि आप उस समय जब भगवान के दरबार में जाएंगे, उनके दर्शन पाएंगे, तो ऐसा क्षण जो आपको मिला है वो वास्तव में एक स्मरणीय क्षण रहेगा, और ये उसके हम पुण्य की गणना नहीं कर सकते हैं। आज तो ऐसा लग रहा है कि केवल अयोध्या में ही राम नहीं है, आज तो हर घर में राम है, हर नगर में अयोध्या है। मित्रों, राम नाम की महिमा क्या, हम क्या कहें, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, चारु खाने जग जीव अपारा, अवधत अजय नहीं तनु संसारा। जो व्यक्ति अयोध्या में अपने प्राण त्यागता है उसको भगवान सहज रूप से मुक्ति प्रदान कर देते हैं, और समस्त राम भक्तों के त्याग का, और उन 5 जजों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिनके कृपा से मैं आज उनको अवश्य याद करूँगा, घोमोई जी और अन्य जो जज है, आज उनके कारण ये संभव हो पाया है। धन्यवाद, जय श्री राम। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।